हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कल हम लोगों ने वेलोसिटी और रेडियस निकाला था, ठीक है। तो फर्दर हम लोग नेक्स्ट जो चीज़ें कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स थ्योरी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी मुझे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले अगर मान लो तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वी यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था, क्या था? के जेड स्क्वायर टू पाई अपॉन एन एच। तो अगर मैं यहां काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू निकालूंगा तो हाफ इंटू एम इंटू वी की जगह अगर मैं ये सब्सटीट्यूट करूं के जेड स्क्वायर टू पाई अपॉन एन एच का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये क्या जाएगा, वन बाय टू इंटू एम इंटू के स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इंटू ई टू पावर फोर इंटू फोर पाई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, फिर से ये तुम्हारी जो रिलेशन आ रही है इसको तुम्हें ध्यान नहीं रखना है। ध्यान तुम्हें क्या रखना है, के इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर और यूनिट क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, तुम्हें जो रिलेशन ध्यान रखना है दैट इज दिस, के इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ध्यान रखना है यूनिट क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस के क्यू वन क्यू टू बाय आर। ठीक है, तो आर इज इक्वल्स टू क्या हमने निकाला था, एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर के जेड स्क्वायर। अब जब इसमें सब्सटीट्यूट करोगे, देखो पी इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू वन कितना था ई, क्यू टू कितना था जेड ई, अपॉन आर क्या निकाला, एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर के जेड स्क्वायर। फिर से एक रिलेशन निकल के आई, इसको तुम्हें ध्यान नहीं रखना है, बस इसको निकालते कैसे है ये बता दिया जा रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, फाइनली तुम्हें क्या ध्यान रखना है, P इज इक्वल्स टू जो रिलेशन आता है इज इक्वल्स टू माइनस 27.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर और यूनिट क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो अब यहां एक रिलेशन ध्यान रखो, के इज इक्वल्स टू कितना आया था, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। पी इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, माइनस 27.2। ठीक है, माइनस 27.2 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो यहां से मैं बोल सकता हूं के इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ या सॉरी के इज इक्वल्स टू या पी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टू टाइम्स की। देखो ये रिलेशन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, ये 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये माइनस 27.2 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो पी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टू टाइम्स के। अब ध्यान दो पॉइंट्स, के ही हमेशा पॉजिटिव आएगी क्योंकि देखो हाफ एम वी स्क्वायर, एम हमेशा पॉजिटिव, वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव, तो के ही हमेशा पॉजिटिव आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव। पी नेगेटिव आ रही है, क्यों नेगेटिव आ रही है ये भी ध्यान दो। नेगेटिव क्यों आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला था, एक तुम्हारा न्यूक्लियस है जिसमें जेड, लेट मान लो जेड प्रोटॉन्स है और एक इलेक्ट्रॉन इसके आसपास रिवॉल्व कर रहा है। तो क्यू वन क्या रखा हम लोगों ने, जेड ई, क्यू टू क्या रखा, माइनस ई। तो ये पी इसलिए नेगेटिव आ रही है, पीई इज नेगेटिव बिकॉज इट इज अट्रैक्टिव एनर्जी, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है, आया समझ में? जब दो चार्ज पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट करेंगे, आपस में अट्रैक्ट कब करेंगे, जब वो अनलाइक होंगे, तो अनलाइक चार्ज पार्टिकल्स विल अट्रैक्ट, और अनलाइक होंगे तो एक के क्यू वन क्यू टू में एक का साइन अगर पॉजिटिव रखोगे एक का नेगेटिव रखोगे तो नेट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव इसलिए आ रहा है बिकॉज इट इज अट्रैक्टिव एनर्जी। अगर रिपल्सिव एनर्जी होगी, रिपल्सिव कब होगी, जब दोनों लाइक चार्जेस होंगे, और लाइक चार्जेस होंगे तो ये क्यू वन इंटू क्यू टू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो पी पॉजिटिव कब आएगा, अगर मान लो कभी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका मतलब क्या है, इट इज बिटवीन टू लाइक चार्जेस, और लाइक चार्जेस के
बिटवीन है तो मतलब क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ रिपल्सिव एनर्जी. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो इस पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव बिकॉज इट इज बिटवीन टू लाइक चार्जेस एंड इट इज अट्रैक्टिव एनर्जी. टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या है, के ई प्लस पी. एन वाला रिलेशन तुम खुद से निकालो, के ई का ये वाला रखो, पी का ये वाला रखो, इन दोनों को सम करके तुम टोटल एनर्जी निकाल सकते हो. फाइनली जो रिलेशन हमें ध्यान रखना है वो क्या है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, तो यहां पे टोटल एनर्जी तीसरी हमारी क्या है, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब मैं बोल सकता हूं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ की. ठीक है, तो अब तुम इन तीनों को ध्यान नहीं रखोगे, तुम्हें सिर्फ क्या ध्यान रखना है, के ई का फॉर्मूला. के ई का फॉर्मूला क्या है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. और ये दो रिलेशन ध्यान रखो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 ऑफ के ई एंड टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के ई. क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, तो इस बेसिस पे अगर तुमसे क्वेश्चन किया जाए, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम हुज रेडियस इज 2.12 एंगस्ट्रॉम. तो मेरा रेडियस क्या है, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड. मतलब 2.12 इज इक्वल्स टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर. जेड कितना दे रखा है, 1. तो एन स्क्वायर यहां से कितना आएगा, 4. एन कितना आ जाएगा, 2. ठीक है, तो अगर एन 2 है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. मतलब 13.6 बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? 13.6 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मतलब 4 3 12, 1 बचा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आया समझ में? अब काइनेटिक एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 इंटू 3.4. मतलब ये क्या आ जाएगा, 8 और माइनस ऑफ 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. और टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ. आया समझ में? साइमल्टेनियसली अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है. अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी पता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. ये दोनों रिलेशन ध्यान होने चाहिए इंटर कन्वर्जन के. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 इंटू के ई एंड टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के ई. तुम इसको आपस में निकाल सकते हो. क्लियर है? ठीक है, जैसे नेक्स्ट करो. If the kinetic energy of an electron in second orbit of hydrogen atom is 2 into 10 to power 6 calories per mole, find the potential energy of electron in fourth orbit of Hg plus. ठीक है, एक बार करो, comparison वाला question है, पिछली बार तुम्हें बताया था कैसे करना है. एक बार इसको attempt करो, video pause करो, फिर इसका solution देखो. तो kinetic energy क्या लिखोगे, plus of 13.6 into z square by n square. Clear है कि नहीं clear है, समझ में आया? ठीक है, तो अब अगर तुम्हें निकालना है तो देखो कैसे करोगे. तुम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एट इज 2 इंटू 10 टू पावर 6 कैलोरीज पर मोल. तो इससे तुम बोल सकते हो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. तो के ई वन अपॉन के ई टू इज इक्वल टू जेड वन स्क्वायर अपॉन एन वन स्क्वायर और जेड टू स्क्वायर अपॉन एन टू स्क्वायर. बोला सकता है कि नहीं बोला सकता है? तो देखो, के ई ऑफ, अगर मैं एच अपॉन के ई ऑफ एच ई प्लस, ये मुझे निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा, जेड वन कितना है भाई, 1 अपॉन एन वन कितना है तुम्हारा, सेकेंड ऑर्बिट है मतलब 4. जेड टू कितना है, 2, और एन टू कितना है भाई, तुम्हें किसमें निकालना, फोर्थ में, मतलब क्या है, 16. तो ये क्या आ जाएगा, के ई एच अपॉन के ई एच ई प्लस इज इक्वल्स टू 2. तो के ई एच ई प्लस कितना आएगा, इज इक्वल्स टू के ई एच बाय 2. के ई एच कितना गिवन है, 2 इंटू 10 टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 2. मतलब तुम्हारा कितना आ जाएगा, 10 टू पावर 6. क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया, 10 टू पावर 6 कैलोरीज पर मोल. अब तुम्हें के ई ऑफ एच प्लस आ गया, एच ई प्लस आ गया, तुम्हें पी निकालना है. तो पी इज इक्वल्स टू
माइनस ऑफ टू टाइम्स, समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, सबसे पहले तुमने कंपैरिजन से इसका के निकाल दिया। अच्छा एक चीज ध्यान दो, इसमें ये क्यों नहीं किया हम लोगों ने कि हम लोगों ने डायरेक्टली के ही बोला, ये आता है पी इज इक्वल्स टू क्या आता है, माइनस 27.2 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो ये कॉन्स्टेंट्स को अलग रखते हुए डायरेक्टली इनका जेड वन अपॉन एन वन क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका कॉन्स्टेंट अलग है, इसका कॉन्स्टेंट अलग है। ठीक है, आया समझ में? तो पहले के ही निकालो, फिर इसके बाद जाके तुम्हें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। अब ये तुम्हारा यूनिट बेस्ड क्वेश्चन है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ Hc+ इन फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड पार्ट जूल्स, थर्ड पार्ट कैलोरीज, फोर्थ पार्ट जूल्स पर मोल, फिफ्थ पार्ट कैलोरीज पर मोल। पहले तीन करो एक बार, फोर्थ और फिफ्थ अटेम्प्ट करो, अगर आते नहीं आते तो इसको सोल्यूशन देखेंगे। पहले तीन वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट करो, फिर इसके बाद इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो के अगर तुम बोलोगे तो 13.6 इंटू जेड कितना है 2, तो 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो 13.6 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो 13.6 इंटू 4 तुम्हारा कितना आएगा, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये तो फर्स्ट पार्ट आ गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड पार्ट जूल्स में कन्वर्ट करना है, तो जूल्स में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? बताया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल्स। थर्ड पार्ट कैलोरीज में अगर कन्वर्ट करना है तो कैलोरीज में क्या बोलोगे, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल्स या 4.18 या अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल्स। तो 1 जूल्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 कैलोरी डिवाइडेड बाय 4.2। तो अगर तुम्हें जूल्स को कैलोरीज में चेंज करना है तो क्या करोगे, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 4.2 कैलोरीज। समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट, जूल्स पर मोल। अब जूल्स पर मोल का मतलब क्या है, बट पहले यूनिट का मतलब समझो, फिर उसके बाद इसको कैलकुलेट करना। ये जो हम लोग तीन निकाल रहे हैं, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल्स में, ये तीनों जो तुम्हारी एनर्जीज हैं, दीज आर फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इन जूल्स, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन कैलोरीज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? तो अब जूल्स पर मोल में निकालना है, मतलब मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन जूल्स। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो कैसे निकालोगे, हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पता है कितना है, 54.4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल्स। तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, मतलब मुझे Na इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मतलब मैं क्या करूंगा, 54.4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 जूल्स पर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, कहीं भी पर मोल अगर दे रखा है तो उसका मतलब क्या, इट इज द एनर्जी या उस कोई भी पैरामीटर ऑफ वन मोल। ठीक है, जैसे अगर तुम्हें कैलोरीज पर मोल दिया है तो कैलोरीज पर मोल का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हमने कितना बोला है, 54.4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 अपॉन 4.2 कैलोरीज। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 54.4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 अपॉन 4.2 इंटू Na कैलोरीज पर। ठीक है, तो अगर तुम्हें कई दूसरी यूनिट्स में कभी कभार क्वेश्चन आ जाए तो तुम इसको सबसे पहले से इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकाला, फिर इसको फर्दर क्या कर सकते हो, उसमें कन्वर्ट कर सकते। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये दो टाइप के यूनिट वैसे तो तुम्हें आती होंगे, अगर नहीं आती है तो पर मोल अगर कहीं दे रखा है तो उसका मतलब क्या है कि इट इज द विद रिस्पेक्ट टू वन मोल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन एक बार ध्यान दो,
ठीक है। फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ एच ई प्लस फाइंड द रेशियो ऑफ, कई बार तुम्हें डायरेक्टली रेशियो निकालने को आता है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट ये अपने आप करो, ठीक है, एक बार अटेम्प्ट करो, फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स कैसे निकालना है बताया जाए। तो वीडियो पॉज करके एक बार अटेम्प्ट करो। सबसे पहले रेडियस निकालना है, तो रेडियस इज इक्वल्स टू क्या है, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो मैं बोल सकता हूं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। तो मैं बोलूंगा आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल्स टू एन वन स्क्वायर बाई जेड वन एन टू स्क्वायर बाई जेड टू। तो मुझे क्या निकालना है, आर एच अपॉन आर एच ई प्लस एन वन कितना गिवन है वन, और एच जेड वन कितना है वन, ये कितना गिवन है टू का स्क्वायर, और टू मतलब ये क्या आ जाएगा वन बाय टू, समझ में आया। सेकेंड वेलोसिटी अगर मुझे निकालना है तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू जेड बाई एन, मतलब बोलूंगा वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन। तो मैं बोलूंगा वी एच अपॉन वी एच ई प्लस इज इक्वल्स टू जेड एच अपॉन एन एच, जेड एच ई प्लस अपॉन एन एच ई प्लस। तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 और 2 अपॉन 2 मतलब इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। थर्ड टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या आता था माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो मैं बोलूंगा टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ जेड स्क्वायर, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो क्या हो जाएगा टी एच अपॉन टी एच ई प्लस इज इक्वल्स टू माइनस जेड एच स्क्वायर अपॉन एन एच स्क्वायर, और माइनस, तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, जेड एच ई प्लस स्क्वायर अपॉन एन एच ई प्लस स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर और 2 अपॉन 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। तो ये फिर से कितना आ जाएगा 1:2:1, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। अब फोर्थ आता है टाइम पीरियड। तो देखो ऐसा कभी भी तुम्हें रिलेशन आए, देखो तुम्हारे कोर्स में अगर तुम्हें थ्योरेटिकली कैलकुलेट करने को आएगा तो रेडियस आएगा, वेलोसिटी आएगा और एनर्जी के टर्म्स आएंगे, इसके अलावा तुम्हारा कैलकुलेशन में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ रेशियो वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं, रेशियो वाइज क्वेश्चंस कैसे करने हैं ध्यान दो, जैसे टाइम पीरियड तुम्हें बोला गया, तुम्हें टाइम पीरियड का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप जो भी चीज आए जिसका तुम्हें डायरेक्टली नहीं पता है अदर देन रेडियस वेलोसिटी एंड एनर्जी, कोई भी चीज आ रही है तो फॉर्म अ रिलेशन बिटवीन अननोन टर्म विद नोन टर्म्स आर वी एंड एनर्जी, ठीक है। तो मैं जो अननोन टर्म है उसका रिलेशन किसके साथ निकालना है, रेडियस वेलोसिटी एनर्जी, और इनफैक्ट हमें क्या भी पता है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इनके टर्म्स में तुम्हें क्या निकालना है, इसका रिलेशन निकालना है। तो हमें क्या पता है टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2πr/v, हमने रेडियस और वेलोसिटी के टर्म्स में टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड और इनके बीच में रिलेशन क्या है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2πr/v। तो मैं बोल सकता हूं टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/v क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अब r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आता है n²/z, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आता है z/n। तो अगर मैं यहां लिखूंगा tp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z एंड z/n, तो tp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा n³/z², समझ में आया। पहले जो अननोन टर्म है उसको नोन टर्म्स के बीच में रिलेशन निकालोगे, फिर प्रोपोर्शनैलिटी कैलकुलेट करते हुए एन और जेड के टर्म्स में एक रिलेशन निकाल लोगे, जैसे टीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आया n³/z², तो मैं बोल सकता हूं tp1/tp2 इज इक्वल्स टू n1³/z²।
और एन टू क्यूब अपॉन जेड टू स्क्वायर। तो तुम्हें हाइड्रोजन का कितना, वन क्यूब अपॉन वन स्क्वायर और टू क्यूब अपॉन टू स्क्वायर, तो फिर से कितना आ जाएगा, वन बाय। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, तो अब इसके बाद जो बाकी दो हैं, तुम्हें क्या है नेक्स्ट, क्या है फ्रीक्वेंसी और फोर्स, इनका एक बार करके देखो। आया समझ में? फ्रीक्वेंसी एंड फोर्स का वीडियो पॉज करो, रिलेशन निकालो। ठीक है, तो नेक्स्ट तुम्हारा क्या है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं वन अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर तुम्हारा एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर आ रहा था तो फ्रीक्वेंसी में बोला जा सकता है कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब बाय। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर है तो फ्रीक्वेंसी अगर इनवर्स है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब आएगा। मतलब मैं एफ वन अपॉन एफ टू बोल सकता हूं इज इक्वल्स टू जेड वन स्क्वायर अपॉन एन वन क्यूब और जेड टू स्क्वायर अपॉन एन टू क्यूब। तो फिर से इज इक्वल्स टू वन स्क्वायर अपॉन वन क्यूब टू स्क्वायर अपॉन टू क्यूब, मतलब कितना आ जाएगा, टू इज टू। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? और लास्ट आता है फोर्स। तो बताओ भाई फोर्स का रिलेशन कैसे निकाला जाए। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू, हमें पता है एफ इंटू डी। तो यहां से फोर्स क्या आ जाएगा, ई अपॉन डी। तो मैं बोल सकता हूं कि नहीं, फोर्स इज इक्वल्स टू ई अपॉन डी, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर और डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा क्या आएगा, एन स्क्वायर बाय डी। क्या है आर, डी इज व्हाट, आर रेडियस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, जेड स्क्वायर बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर और एन स्क्वायर बाय जेड, मतलब जेड क्यूब बाय एन टू पावर फोर। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो अब तुम डायरेक्टली इसको निकाल सकते हो, और भी टर्म्स आ सकते हैं जैसे करंट आ सकता है, और भी चीजें पूछी जा सकती है। तो तुम्हें कोई भी ऐसा अननोन पैरामीटर अगर आए तो उसको तुम्हें किसके टर्म्स में निकालना, सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम, कभी कभार यूज हो सकता है, और फिर उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी कैलकुलेट करते हो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ किसमें आएगा, रेशियो में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करना। ठीक है, थैंक यू।